मॉर्निंग क्लास। आज हम थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी उसका रिवीजन करके थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? सबसे पहला था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑक्साइड्स आर फॉर्म। तो बेटा मैंने यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं आपको उन सभी मेटल्स की रिएक्शन दिखा सकूं जिनकी पॉसिबल होती है। पोटेशियम ये K2O सुपर ऑक्साइड्स बनाता है, वाटर के साथ KOH बनाता है, और ऐसे ही सोडियम की दिखाई है कि ये ऑक्साइड बनाता है Na2O। सो दीज आर द रिएक्शंस विच मेटल्स शो विद द ऑक्सीजन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये आपको याद रखना है। नाउ द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ कैप्ट इन ओपन। अगर हम ओपन में ऐसे ही मेटल को रख देंगे तो वो एकदम से आग पकड़ लेगा और जलना शुरू हो जाएगा। हेंस दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग। इफ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। ये मैंने आपको कल एक्टिविटी भी शो करी थी कि अगर मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। इफ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली। सो स्टूडेंट्स ये मैं आपको कल वीडियो दिखाई थी मैंने आपको। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को मैंने वीडियो नहीं दिखाई है, तो उसके लिए मैं वीडियो का वो छोटा सा जो पार्ट है वो आपकी अभी इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाए कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो बहुत डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। सो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो में देखिएगा अभी कि इस वीडियो में किस तरीके से हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो किस तरीके से वो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ये कागज पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन लिखी हुई है 2Mg+O2 2MgO। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कितनी ज्यादा डेजलिंग फ्लेम होती है, बहुत ब्राइट लाइट होती है। और मैग्नीशियम जलने के बाद बेटा आपका जो पाउडर मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दैट इज प्योरली व्हाइट इन कलर, जैसे कि आपका टेलकम पाउडर होता है। तो देखिए जरा रिएक्शन को ध्यान से, देखिए मैग्नीशियम रिबन जल गया है। नाउ यू कैन सी कितनी ज्यादा डेजलिंग लाइट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेजलिंग लाइट है और ये जो अब पाउडर आपको मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहां पर मेरा ये देखो व्हाइट कलर का पाउडर इस पर गिर गया है। दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है बेटा, ये आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड आप इस पर भी देख सकते हैं वॉच ग्लास पर। और अगर बेटा आप इस वॉच ग्लास के जो ये व्हाइट पाउडर आपको मिला है अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये वाटर में डिजोल्व करके आपको जो है वो क्या करेगा, ये आपको बेसिक बेसिसिटी शो करेगा। क्योंकि जो तो बेटा आपने देखा मैग्नीशियम जब जलता है तो वो बहुत डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि जब मैग्नीशियम के उस ऑक्साइड के उस पाउडर को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है। बेटा वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं तो बेसिकली जो आपके मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो वो क्या करता है वो आपके रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। दैट शोज कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड का दिखा रखा है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते और इसीलिए उन्हें नेटिव मेटल्स कहा जाता है। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक ये जो है ये ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर। तो जब भी हम इन मेटल्स को जलाएंगे तब हम पहले सैंड पेपर जो आपका जिसको आप रेग मार्क कहते हैं उससे इनको रब करेंगे, इनकी सरफेस को साफ करेंगे और उसके बाद हम इसमें क्या कर लेंगे उनको जलाएंगे, तब जाकर ये जलेंगे, उससे पहले नहीं जलेंगे। नाउ रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ ये रिएक्शन है। अब यहां पर मैंने बहुत प्रॉपरली ऐड किया है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, कौन सा एलिमेंट हॉट वाटर के साथ करेगा, कौन सा हॉट वाटर के साथ भी नहीं करेगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मेटल्स ऐसे हैं जो कि स्टीम के साथ करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, और कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये मैंने कोशिश की है आपको प्रॉपरली नोट्स देने की, जिससे कि आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो सके। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स। बेटा व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स तो क्या होता है कि सॉल्ट्स बनते हैं और हाइड्रोजन का रिलीज होता है।
ये मैंने आपको कल अपनी दूसरी स्लाइड में भी दिखाया था, इसकी एक्टिविटी भी शो की थी कि हाइड्रोजन जो रिलीज होती है वो पॉप साउंड क्रिएट करती है, और जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी मेटल की होती है मेटल उतनी ही जल्दी एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर रिएक्शन आपको शो की है, आप अगर इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या नाइट्रिक एसिड लेंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो यहाँ सल्फेट मिलेगा, नाइट्रिक एसिड लेंगे HNO3 तो यहाँ पर नाइट्रेट मिलेगा, NO3 मिलेगा। ठीक है, देखो नीचे मैंने शो किया है, ठीक है। लेकिन बेटा कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो हम एक क्या करते हैं, मिक्सर बना लेते हैं नाइट्रिक एसिड का और HCl का, ठीक है। और उस मिक्सर को बनाने के बाद गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर भी रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा आपके जो गोल्ड के या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स काले हो जाते हैं, वो काले ऑर्नामेंट्स जो हैं हम जब जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास, तो वो एक सॉल्यूशन में डिप करता है और एकदम से बाहर निकाल लेता है। दैट इज नथिंग, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है जो कि गोल्ड सिल्वर को भी डिसॉल्व कर लेता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसको एक्वा रेगिया भी कहते हैं, एक्वा रेगिया, AQUA एक्वा, REGIA रेगिया, ओके। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब है, आप देखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन मैं कॉपर सल्फेट से करा रही हूँ, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा रही हूँ, आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा रही हूँ। तो बेटा यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, सॉल्ट से रिएक्ट करता है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। देखो पहली रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटाकर अपने साथ जगह ले ली और कॉपर अलग निकल गया मेटालिक फॉर्म में, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्लास का कोई बच्चा शैतान सा होता है, शैतानी ज्यादा करता है, तो उसको जिस सीट पर बैठना होता है वो थोड़ा सा डॉन टाइप का बच्चा होता है, तो वो जिस भी बच्चे को ज्यादा है उसको उसकी सीट से खड़ा कर देता है और कहता है इसकी जगह तो मैं बैठूंगा। तो इस तरीके से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पेपर में बहुत बार आती है। आप देखिए मैंने ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, बेटा जब आप इसमें मैग्नीशियम का पाउडर डालेंगे तो इसका ब्लू कलर खत्म हो जाएगा और ये जो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉपर जो है वो ब्लू कलर जिसकी वजह से था वो कॉपर नीचे प्लेस हो गया है, सेटल हो गया। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे आयरन की रिएक्शन दिखाई है, ये रिएक्शन हम घर में भी लगा सकते हैं। कॉपर सल्फेट अगर हमें मिल जाए तो जो ब्लेड होता है आयरन का उसको इसमें डाल दीजिए और धीरे धीरे ब्लू कलर हटकर लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी तो हम ये क्वेश्चन नहीं बता सकते, आंसर नहीं बता सकते कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। नाउ बेटा ये आपको लर्न करनी है, बहुत रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी का मतलब है बेटा ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं इसके नीचे, तो ये इनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से इनको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, लेकिन कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते किसी भी एसिड से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम चाहें कि कॉपर में कॉपर को HCl से रिएक्ट कराएं, HNO3 से या सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो दिस इज फॉर टुडे, आगे का जो चैप्टर है वो हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।